बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरो क्यामत के उस खौफनाक दिन से जिसमें हम सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, हमारे तमाम गुनाह और वो तमाम बद आमाल जो दुनिया में हम इंसानों से छुपा छुपा कर करते थे, इस दिन न कोई छुपाने वाला होगा और न कोई छुड़वाने वाला होगा। इतना सह दिन है कि आपके अपने आज़ा खुद आपके खिलाफ गवाही देंगे। अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज ही क्यामत के दिन हम उनके मुँह पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हम बात करेंगे और उनके फाव गवाही देंगे कि वो क्या कमाई करते थे। अल कुरान सूरत यासीन आयत नंबर 65। हाथों और फाव को अल्लाह की नापरमानी में इस्तेमाल करते हुए बलखसूस मोबाइल फोन पर उंगलियों के जरिए गुनाह करते हुए हमें अल्लाह से डरने और तौबा करने की जरूरत है। वो दिन बहुत करीब है जब हमारे मुँह पर मोहर लगा दी जाएगी और हमारी उंगलियाँ हमारे गुनाह बयान करेंगे। वहाँ पर न कोई जमानत करने वाला आएगा और न झूठी गवाही चलेगी। इसलिए कामयाबी की राज ये है कि हम हर वो अमल शुरू करें जिससे हमारा रब हमसे राजी हो जाए और हर वो अमल छोड़ दे जिससे हमारा रब हमसे नाराज हो जाए, क्योंकि हम सबको क्यामत के दिन उसी जात के सामने, उसी रब के सामने पेश होना है और हर एक बुरे और अच्छे अमाल के बारे में हम अपने रब के सामने जवाबदेह होंगे। अल्लाह हम सबको गुनाह से बचाए और क्यामत के दिन शर्मिंदगी और नाकामी से बचाए। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लामी मसाइल चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाए ताकि जैसे ही नया मसला अपलोड हो जाए आप इसे सीख कर बिलाता ही दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाए। जज़ाकअल्लाह।